गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड एज यू नो दैट वी आर कवरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज। तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने बजट मेकिंग प्रोसेस के बारे में रीड कर लिया है, क्या होता है, किस तरीके से बजट को फॉर्मुलेट किया जाता है, कौन कौन सी एजेंसीज का क्या रोल होता है, वो सब जब हमने सब देख लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड अदर सोशल मीडिया लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 47, रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग। आपको पता होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। ये न सिर्फ इंडिया की बल्कि हर एक गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस जो है वो एज अ फ्यूल काम करता है फॉर द गवर्नमेंट मशीनरी। सो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर्विंग एज द इंडियन ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ओके, इनके जो मिनिस्टर हैं फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर वो कौन है? निर्मला सीतारमन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का? वो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली के अंदर। फाइन, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट आते हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ओके, अब बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या काम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मस्ट मैनेज फाइनेंशियल एसेट्स, प्रपोज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज दीज एक्शन एज एम्पावर्ड बाय लॉ। काम क्या होता है मेनली? कि फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करना। दूसरी चीज़ की पॉलिसी जो होती है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, उनको प्रपोज करना एंड जो कानून के तहत पूरा जो काम है उसको कोऑर्डिनेट करना एंड सुपरवाइज करना। इसके अलावा इट इज़ चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द रिसोर्सेज फॉर द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी एक्सपेंडिचर करने वाली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अदर देन दैट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्ट एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द पार्लियामेंट एंड एंश्योर दैट द विशेज ऑफ पार्लियामेंट आर फुलफिल्ड बाई द एग्जीक्यूटिव। एक्सटेंडेड आर्म की तरह कैसे काम करती है कि पार्लियामेंट क्या करेगी? बजट बना देगी। ठीक है, बजट जब पास हो जाएगा तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री इंश्योर करेगी कि जिस एम के साथ बजट को बनाया गया था वो एम फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है? इट वॉचेज द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइन, अब देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या काम होता है। सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपका ये काम, आप मुझे बताएंगे कि बजट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। जैसे एक होता है रिवेन्यू, ठीक है, एक होता है कैपिटल पार्ट, एक होता है आपका रिसीट पार्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर पार्ट। रिसीट में भी क्या होता है? कैपिटल एंड रिवेन्यू। वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी आपका क्या होता है? कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो उस बेसिस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो बजट का एस्टिमेट किया जाता है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। सेकेंड थिंग, डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग स्टैंडिंग चार्ज। अब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट ने, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने दे तो दिए कि हमें इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसकी स्क्रूटनी करना, उसको देखना कि क्या एक्चुअल में उनको इतना पैसा चाहिए, ये काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। देन कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ फिगर्स टू बी अरेंज्ड इनटू द फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। कि जितना भी आपको अगर फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल लाना है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसकी जो डिटेल्स है वो कौन फिल करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री फिल करेगी। अदर देन दैट, रिव्यू ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, ऑनगोइंग स्कीम्स एंड न्यू प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन द बजट। अब बजट की जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं कि कौन सी स्कीम्स चलनी चाहिए, कौन से नए प्रोजेक्ट लाने की जरूरत है, ये काम किसका है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। देन रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेज विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। मान लीजिए कि कहीं किसी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया या डिफरेंस आ गया, तो वो वहाँ पर ये सोल्व कौन करेगा? कैबिनेट की हेल्प से फाइनेंस मिनिस्ट्री उस मैटर को सोल्व करेगी। देन प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एंड अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। आपको पता होगा कि जब बजट को पेश किया जाता है तो बजट स्पीच दी जाती है, तो बजट स्पीच को तैयार कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है बजट का, वो भी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। ठीक है,
पहला जो है बजट एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही होता है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना होगा, कितना एक्चुअल्स है, ठीक है, कितना आने वाले जो जिस साल के लिए हम बना रहे हैं, बजट तैयार कर रहे हैं, उस साल में हमारा एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, उसके बिहाफ पर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में आ जाएगा आपका जो कैपिटल और रिवेन्यू वाला पार्ट आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। इसके अलावा बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अब ये देखिए कि बजट जो है वो आने वाले साल के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि आपको एस्टिमेट लगाना पड़ता है कितना आप एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कितना आपकी इनकम होने वाली है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द एस्टिमेट्स ऑफ रिवेन्यू इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से होती है, ठीक है, रिवेन्यू पार्ट से और कैपिटल पार्ट से, ठीक है। जिनको नहीं पता, एक बार आप जा करके बजट वाला सेक्शन देख लीजिएगा कि बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से होती है, एक तो रिवेन्यू से, दूसरा कैपिटल पार्ट से, ठीक है। रिवेन्यू में भी दो हिस्से होते हैं, एक तो आप टैक्स से आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, दूसरा आपका नॉन टैक्स से इनकम हो रही है। टैक्स में भी दो हिस्से आते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स से जो डील करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, वो पूरा का पूरा एस्टिमेट्स लगाती है कि गवर्नमेंट की आने वाले साल में कितनी कमाई होने वाली है, कितनी इनकम होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्लस में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करता है। एवरी प्रपोजल और पॉलिसी हैविंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैज़ टू बी सिक्रिटनाइज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके। और लास्ट इसका जो मेन कंसर्न है वो है टू ऑब्टेन प्रॉपर बैलेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन सर्विसेज सो दैट ग्रेटर वैल्यू कुड बी ऑब्टेन फॉर द टोटल एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूसिंग द मनी स्पेंड ऑन द सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन अदर। बैलेंस मेंटेन करना किसके बीच में, कि जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है सिटीजन्स को, उनके बीच में आप एक तरीके से बैलेंस बना सकें, ठीक है। ये काम किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है, ठीक, ताकि आप मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो अचीव कर पाएँ, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ अपने जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो कौन इंश्योर करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंश्योर करती है। आई होप आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल समझ में आ गया होगा कि बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर as much as you can. Thank you.